इंडिया में जब आप एयरपोर्ट के लिए जाते हैं तो मेनली आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? चलो वेलकम हम टू अपनी बात करें। बात। जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में दिखाया कि दैट आई हैव कम टू यूके, मैं इंग्लैंड आ चुका हूँ और राइट नाउ आई एम इन ऑक्सफोर्ड। अब क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड आ चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो सब चीज़ें बता सकूँ जो अभी बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। क्वारंटीन में क्या हुआ है, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चाहिए जब आप यूके लैंड करें, लंदन हीथरो पे लैंड करें या जहाँ भी आप लैंड करते हैं, तो वहाँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इमिग्रेशन में क्या होता है, तो ये वीडियो में मैं वो सब आपको मेजरली बताने वाला हूँ। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बता रहा हूँ उन सब का प्रिंट आपको पहले ही निकाल के रखना है। आप अपने पास वो प्रिंट रखेंगे और उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बना के रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम फिर बात इसका करते लिस्ट ऑफ हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास तैयार रखनी है। उसके अंदर आपके पास आएंगे योर टिकट, पासपोर्ट, कैश लेटर, आपका जो भी यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन होगा लेटर का वो, आपका लोकेटर फॉर्म जो आपने 48 आवर्स पहले भरना है वो आपने भर के रख लेना है, रेंट एग्रीमेंट, आप जिस अकोमोडेशन या भी एयरबीएनबी जहाँ भी आप जा रहे हैं उसका जो भी एग्रीमेंट है, जो भी प्रूफ है आपके पास वो ज़रूर रखना है, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका उसकी एक प्रिंटआउट निकाल के रखना है अपने अपने पास, या अगर आपने अपने ही फंड शो किए हैं तो उसका जो भी प्रूफ है आपको अपने पास रखना है। तो ये आप एक लिस्ट बना लीजिए, इसके आपको अपने पास एक कॉपी रखनी है और इसके एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आप बना के अपने घर वालों के पास और एक अपने पास रख सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट लिस्ट के इस बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक कोविड नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए। वो हर जगह आपसे मांगी जाएगी, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट है या आपका हीथरो एयरपोर्ट या बर्मिंगम एयरपोर्ट, जहाँ भी आप जाते हैं। तो 72 आवर्स पहले की वो वैलिड मानी जाएगी। तो मेक इट श्योर यू डू हैव द नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 टेस्ट, द PCR1, RT-PCR टेस्ट आपको नेगेटिव चाहिए। इंडियन एयरपोर्ट पे आप जब एंट्री लेंगे तो आपको मेनली आपसे आपका पासपोर्ट देखा जाएगा और आपकी टिकट देखी जाएगी, तो दोनों आपके पास होने चाहिए एट प्रेजेंट। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको अपना लगेज चेक इन करवाना है सबसे पहले, और उस वक्त आपको अपना बोर्डिंग पास लेना है। मैं ब्रिटिश एयरवेज से आया था तो उसमें चेक इन करवाने के लिए मैंने अपने 3 बैग्स, 2 चेक इन बैग्स जो 23 kg ईच थे और एक मेरा जो कैबिन बैग था वो भी मैंने अपना चेक इन करवा लिया था, क्योंकि वो ब्रिटिश एयरवेज में अलाउड था कि मैं 12 kg, 13 kg या अप टू 15 kg ले सकता, लेकिन उसकी डायमेंशन कैबिन बैग वाली ही होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा एक लैपटॉप बैग था जो मैं कैबिन में लेके गया था। लगेज चेक इन करवाने के बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा और आप अपने सिक्योरिटी चेक के लिए आगे चलेंगे। हमें जो सिक्योरिटी चेक है इमिग्रेशन क्लियर करना है उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेरा सिर्फ पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देखा गया और आई वॉज अलाउड टू चेक गो फर्दर, बट एक मेरा फ्रेंड साथ में था, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, बस इतना ही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। बिकॉज स्टैम्प वीज़ा है और आपका बोर्डिंग पास है तो इंडिया इमिग्रेशन वाले आपको कुछ नहीं पूछेंगे खास। आगे आप सिक्योरिटी चेक में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, तो आई एडवाइस आप 3 से 3.5 घंटे पहले अपनी जिस दिन भी आपकी फ़्लाइट है यूके की, तो आप 3 से 3.5 घंटे पहले आप अपने फ़्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर आ जाइए। ठीक है, तो चलिए सिक्योरिटी सारी चेक हुई, सिक्योरिटी जो भी हमारा जैकेट्स वगैरह उतार के हमें रखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे बाहर निकाल के ट्रे में रखना होता है और वो सब सारा चेकअप होगा। आपको पास चल फ्लाइट जाएगा है वहाँ उसका जाके, गेट नंबर उस आपको जो बोर्डिंग पास पे लिखा होता है उसमें आपको जाना होता है। फॉर मी इट वॉज गेट नंबर 8, तो वहाँ गए और आई वेटेड फॉर माई फ्लाइट, तो जैसा हुआ फ्लाइट हमने बोर्ड की और फिर हम यूके पहुँच गए। इट वॉज 9.5 आवर फ्लाइट, मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली थी, बहुत लंबी फ्लाइट थी क्योंकि जिसको तो नींद आ जाती है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, अब मेरे जैसे इंसान को जिसको नींद नहीं आई बहुत दिक्कत थी। और मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरी बैक वाली सीट पे और मेरे राइट वाली सीट में जो लेडी थी उनके साथ छोटा बेबी भी था, तो यू अंडरस्टैंड दैट। सो चलिए जैसे तैसे हम पहुँचे। हाँ, फ्लाइट के दौरान मील्स काफ़ी अच्छे मिले, मैंने वेजिटेरियन हिंदू मील रखा था तो इट वॉज़ गुड। उसका जो वीडियो है मैंने टीज़र में रखा है तो यू कैन वॉच देयर। ओके, तो यूके हम लैंड किए, यूके लैंड करने के बाद आपको
इमिग्रेशन क्लियर करना होता है सबसे पहले, जो कि फिर से बहुत एक बड़ी लंबी लाइन मिलती है आपको। मुझे याद है कि मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे इमिग्रेशन क्लियर करने में, नॉट बिकॉज कि मेरे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, बट बहुत लंबी लाइन थी। चलो एनी हाउ, जब इमिग्रेशन में आप जाते हो तो आपको आपके मेनली ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपका कैश लेटर, आपका लोकेटर फॉर्म, आपका UKVI लेटर। UKVI लेटर वो है जो आपको आपके वीज़ा के साथ मिलता है, वो लेटर भी आपको रखना है अपने साथ। सॉरी मैं उसको पहले नहीं बता पाया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेटर है जो आपको साथ में रखना है, वो देना है, और लोकेटर फॉर्म, और अगर उसके बाद वो कुछ डिमांड करते हैं तो आपको देना है। ठीक है, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चंस होते हैं और उसमें उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इमिग्रेशन क्लियर हुआ और उसके बाद हमने अपने चेक इन लगेजेस लिए, एंड देन वी वर ऑफ टू ऑक्सफर्ड। ऑक्सफर्ड मुझे आना था लंदन से, तो उसके लिए मैंने कैब ली बिकॉज मेरे पास कुछ लगेजेस ज़्यादा थे, और क्योंकि हम 2 लोग थे हमारे लगेजेस बहुत ज़्यादा थे, और बस में सफ़र करना हमें उस वक्त ठीक नहीं लगा, और बस हमने कैब ली और हम अपनी रेंटेड अपार्टमेंट में आ गए, और उसके बाद से आई एम इन क्वारंटीन। 10 दिन का क्वारंटीन है यहाँ पे। होटल क्वारंटीन हमें नहीं करने को बोला गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जिनकी लिस्ट आपको UKVI पे मिल जाएगी, UK गवर्नमेंट की साइट पे मिल जाएगी। ये मेरा एक छोटा सा, मैंने आपको अपने जर्नी का एक थोड़ी सी समरी दी कि कहाँ दिल्ली से हम जब चले और UK में जब लैंड किए क्या क्या प्रोसेस रहता है और कैसे हम उसको उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लोकेटर फॉर्म को भरने से लेके आपका कोई भी कैश लेटर या एनी प्रॉब्लम यू फेस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। 10 दिन के क्वारंटीन में हूँ तो मैं बाहर अभी नहीं निकल सकता, बट येस आई हैव ए नाइस विंडो ओवर हियर, मैं आपको एक थोड़ा सा उसका बाहर का एक लुक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज पहली स्नोफॉल मैं देख रहा हूँ। अब क्योंकि क्वारंटीन में हूँ तो बाहर निकल के ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं सकता हूँ, बट जस्ट फॉर द व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। छोटी सी मेरी समरी वीडियो कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे और क्या क्या आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है UK आने के लिए। और भी काफ़ी वीडियोज़ के साथ मैं आऊँगा, आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और कोई आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर बताइए। कोई आप जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने जाते हैं, मैं जानता हूँ अभी फरवरी में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आएंगे UK में, जिन्होंने जेएनयू टेक लिया है, तो आप ज़रूर आएँ, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया में बैठे बैठे हम सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है कैसे करना है, बट वंस यू आर हियर यू नो व्हाट टू डू। सो कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, जो कि आगे मैं और भी वीडियोस के साथ आऊँगा कि हाउ डिड आई अप्लाई फॉर माय वीज़ा एंड व्हाट वर द एसेंशियल्स फॉर दैट, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ मुझे दिख रही है अभी, इनमें क्या क्या आपको ज़रूरी प्रिपरेशन करनी है, और मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, और व्हाट इज़ लाइक टू बी इन UK। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।